सेंधवा। दिनेशगंज एकता संगठन द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्य पांडाल सजाकर इको फ्रेंडली गणेश जी की स्थापना की गई है। इस बार कोलकाता के प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर की प्रतिकृति का भव्य पांडाल बनाया गया है। पांडाल 45 फीट चौड़ा, 75 फीट लंबा और 55 फीट ऊंचा है। पांडाल में कोलकाता की प्रसिद्ध लाइटिंग के साथ साथ ही जोधपुरी लाइटिंग के झूमर पंडाल का आकर्षण बढ़ा रहे हैं। पांडाल को लेकर चारों ओर चर्चा है। इसके साथ ही पांडाल के बाहर 25 फीट की श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति विराजमान होने के साथ ही प्रतिदिन यहां पर दिल्ली के कलाकारों द्वारा रासलीला की जा रही है। पांडाल के अंदर इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा कृष्ण भगवान के स्वरूप के रूप में विराजमान है। साथ ही मूसक द्वारा वाद्य यंत्र बजाते आकर्षक झांकी सजाई गई है और सड़क मार्ग पर भी आकर्षक लाइटिंग की गई है, जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है और हजारों की संख्या में लोग यहां दर्शन के लिए जा रहे हैं। पांडाल इतना भव्य है कि न सिर्फ सेंधवा बल्कि आसपास के क्षेत्रों और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हमने कलकत्ता के विश्व प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर की कलाकृति को यहाँ पर स्थापित किया है, जो 45 फीट चौड़ा, 75 फीट लंबा और 55 फीट ऊंचा पंडाल है। कहाँ के कलाकारों द्वारा बनाया गया है? इसे कलकत्ता के 40 कलाकारों द्वारा एक माह के अथक परिश्रम से दिन रात मेहनत कर बनाया गया है। कुछ प्रस्तुति दी जा रही है? हाँ, इसमें प्रतिदिन दिल्ली के कलाकारों द्वारा रासलीला की प्रस्तुति प्रतिदिन दी जाएगी। 25 फीट की कृष्ण भगवान की प्रतिमा पंडाल के बाहर विराजमान है, जो नृत्य कर रही है, और कलकत्ता की भी प्रसिद्ध लाइटिंग की व्यवस्था पहुँच मार्ग पर की गई है। इसमें विशेष रूप से जोधपुर से बुलाए गए झूमर लगाए गए हैं, जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। गणेश प्रतिमा भी स्थापित की गई? गणेश प्रतिमा हमारी पूरी इको फ्रेंडली है, मिट्टी से बने गणेश जी हैं, जो कृष्ण भगवान के स्वरूप में मनमोहक रूप में विराजमान है।